Hi, today is 28th of April 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के essential vocabulary words हैं, पहला, profiteering. Profiteering का मतलब होता है profits कमाना, but वो profit आप unethical way में कमा रहे हो. That is called profiteering. Then risk averse. Risk averse का मतलब होता है, you are reluctant to take risk. आप risk नहीं ले रहे हैं. That is reluctant to take risk. डिबिलिटी, डिबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस. प्रोलोंग्ड, जैसे लॉकडाउन है, ये प्रोलोंग्ड हो गए हैं, मतलब लेंदी हो गए हैं. डिसमल, डिसमल का मतलब होता है डिम, ग्लूमी, सॉम्बर. फ्लाउटिंग, फ्लाउटिंग मतलब जैसे नॉर्म्स को फ्लाउट कर रहे हैं, दैट इज गो अगेंस्ट द नॉर्म, गो अगेंस्ट द रूल्स. रेलेगेटेड मतलब डाउनग्रेड करना. देन चेकमेट, चेस में हम यूज करते हैं, चेकमेट मतलब विन द गेम. इंसुलर का मतलब होता है नैरो माइंडेड होना. रेकॉनिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन या फिर जजमेंट या फेट पे छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड रेकॉनिंग. देन ऑब्सक्यूरेंटिज्म का मतलब होता है जो ट्रुथ है एंड फैक्ट्स है उनको हाइड करना. स्कटल्ड का मीनिंग होता है अबैंडन, विड्रॉ करना. कंटेगियस मीन्स होता है इन्फेक्शियस, जैसे स्माइल होती है कंटेगियस है, या फिर एंथुजियाज्म है इन्फेक्शियस है. देन डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का मीनिंग होता है फॉर्मिडेबल होना, या फिर दैट इज नॉट ईजी, दैट इज अ डॉन्टिंग टास्क हम ऐसे बोलते हैं. सो दीज आर सम वर्ड्स जो आगे अभी हम पेपर में देखने वाले हैं. आज 28th ऑफ अप्रैल 2020 है. दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी हम देखेंगे. फर्स्ट, फर्स्ट इज अबाउट ग्रेडेड एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन. लॉकडाउन से ग्रेडेड एग्जिट हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल. देन ICMR सेज नो पेमेंट मेड फॉर चाइनीज टेस्ट किट्स सप्लाई. यहाँ पे ये जो प्रॉफिटियरिंग का अभी कुछ यहाँ पे एलिजेशंस लगे हैं कि ये जो रैपिड टेस्टिंग किट था ये काफ़ी प्रॉफिटियरिंग हुआ है और इसका क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है. देन RBI ओपन्स ₹50,000 करोड़ लिक्विडिटी टैप फॉर म्यूचुअल फंड्स. अभी हमने देखा था रिडेम्पशन का प्रेशर आ रहा है कुछ म्यूचुअल फंड्स में, ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केस भी था, तो इसलिए RBI ने लिक्विडिटी के लिए 50,000 करोड़ रुपये अभी देने का यहाँ पे डिसीजन लिया है. देन दिस इज एसेंशियल गुड्स मूवमेंट अप. एसेंशियल सप्लाईज बहुत नेसेसरी है, तो यहाँ हम देखेंगे किन एरिया में एसेंशियल जो गुड्स हैं सर्विसेज हैं इनका अभी ग्रेडेड वे में स्टार्ट हो गई है ये. देन दिस इज डोनेट प्लाज्मा. जो COVID-19 के रिकवर्ड पेशेंट्स हैं वो अपना एंटीबॉडी प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं ताकि जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनको हेल्प हो सके. दिस इज कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी. देन ये है ITI, इसने लो कॉस्ट एरोसोल बॉक्स बनाया है, फेस शील्ड इनोवेशन. यहाँ पे इन्होंने ये COVID-19 से हेल्प करने के लिए, फाइट करने के लिए फ्रूगल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है. ये बहरमपुर ओडिशा का है. देन सेवेंथ इज वर्चुअल येट ओपन. दिस इज अबाउट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल. बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अभी सब बंद है, तो ये वर्चुअल कोर्ट्स का एक नया यहाँ पे एक ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है. और यहाँ इन्होंने ये डिस्टिंक्ट किया है कि ये कोर्ट इन कॉन्ग्रीगेशन से डिफरेंट है, बट ये ओपन कोर्ट है. ये क्लोज्ड या कैमरा प्रोसीडिंग कहना इसे गलत होगा. ये CJI मिस्टर बोबड़े ने यहाँ पे कहा है. विल गेट टू नो अबाउट इट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल. देन कास्टिंग आउट स्टिग्मा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये जो स्टिग्मेटाइज कर देते हैं या फिर ऑर्थोडॉक्सी है, स्टिग्मेटाइज है, एंजाइटी आती है, प्री कंसीव नोशंस होते हैं, इससे हमको दूर रहना है. देन द स्क्रिप्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन एंड अ न्यू ऑर्डर. ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर MK नारायण ने. ब्रिलियंट आर्टिकल, वेरी वेरी गुड आर्टिकल. पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, एवरीथिंग, वेरी गुड आर्टिकल. बहुत अच्छे इसमें इंसाइट दिए हैं. इस आर्टिकल को हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. वर्ल्ड ऑर्डर काफी चेंज होने वाला है आफ्टर दिस COVID-19. वंडरफुल आर्टिकल. देन इंडिया इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड. ये आर्टिकल सुजाता सिंह मैम ने लिखा है, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी. अगेन, पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड क्या हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज यहां पे डिस्कस की है. अ पॉलिसी रोड मैप टू टैकल COVID-19. अगेन, इकोनॉमिस्ट है ये ऑथर और इन्होंने लिखा है ये तीन ट्रायल्स हो सकते हैं, ये तीन क्राइटेरिया होने चाहिए इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन के. देन लैकिंग इन ट्रांसपेरेंसी. इस पे सवाल ये उठाया है कि COVID-19 के थ्रेट पे, इसके अंडर पे बहुत सारी गवर्नमेंट है, ये राइट्स जो होते हैं सिटीजन्स के, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है. अगेन, वेरी वेरी गुड आर्टिकल. इंडिया अमंग टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स. ये आयरनी है कि अभी हम इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने मिलिट्री स्पेंडिंग एंड ऑल पे.
और ये है CSIR, टू लेट फर्म्स डिफर फी ऑन यूज ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी। ये एक फी होती है अगर आप CSIR की कोई इनोवेशन को यूज कर रहे हो, तो ये 6 मंथ के लिए वेव ऑफ हो गया है। यहाँ कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो CSIR ने डेवलप की है टू फाइट दिस COVID-19। देन ये बात है चकमा एंड हजोंग। ये चकमा एंड हजोंग रिफ्यूजीज थे, इंडिया में आए थे, इनको राशन कार्ड नहीं मिला था एंड दे आर डिमांडिंग रिलीफ। वर्ल्ड न्यूज़ में हम ह्यूमन राइट डिजास्टर किम जोंग उन, बिजनेस न्यूज़ में विल रीड अबाउट दिस टेम्पल्टन केस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज गोइंग अप, सेंसेक्स गेन हो रहा है, बुल और बियर कैसे वर्क करते हैं, रिटेलर्स न्यू नॉर्मल, एंड देन स्पोर्ट्स में अभी भी नो शो है। सी इसमें हम एग्जाम रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट कहते नहीं है, बट इनडायरेक्टली वी आर कवरिंग ऑल द एग्जामिनेशन। इफ़ यू कीप ऑन रीडिंग दीज की वर्ड्स इन लेस देन अ मंथ टाइम, यू वुड फाइंड दैट ऑटोमेटिकली जो थॉट प्रोसेस है ना, वो इन की वर्ड्स के अलॉन्ग अलाइन हो जाएगी। और ये की वर्ड्स एंड जो इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट जहाँ पर भी आपको कोई फॉर्मल लिखना है या फॉर्मल आंसर्स देना है। मल्टी डायमेंशनल यहाँ पर बहुत अच्छे ये जो थाट्स हम देखते हैं, आर्टिकल्स, एडिटोरियल एंड ऑल, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेडेड एग्जिट फ्रॉम दिस लॉकडाउन। ग्रेडेड एग्जिट मतलब स्टेप वाइज में हो रहा है, कैलकुलेटेड कैलिब्रेटेड एग्जिट है ये। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कुछ चीफ मिनिस्टर ने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। कॉन्स्टेंट विजिलेंस इज ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। हमें अभी अपने जो गार्ड्स हैं इसको लोवर नहीं करना है, बिकॉज रिस्क अभी ओवर नहीं हुई है। मैनी अ टाइम्स जो COVID-19 के रिकवर्ड पेशेंट्स होते हैं उनको फिर से COVID-19 हो जाता है, सेकेंड फेज होने के भी चांसेज होते हैं। तो लॉकडाउन ने यील्ड किया है पॉजिटिव रिजल्ट, बट द वर्क इज़ नॉट डन, वॉर इज़ नॉट ओवर। ग्रेडेड एग्जिट टेक इन टू अकाउंट केस लोड और विरुलेंस के हिसाब से कि कहाँ पे जैसे हॉट जोन्स हैं या फिर कहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, तो इस तरीके से हमें माइक्रो मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होगी। मास्क और जो फेस कवर है ये वे ऑफ लाइफ अब बन जाना पड़ेगा, बिकॉज यही अब एक न्यू नॉर्मल हो रहा है, हमें इस COVID-19 के साथ जीना सीखना पड़ेगा। महाराष्ट्र, MP, कर्नाटका और केरला, यहाँ बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। CBSE ने मीनवाइल कहा है एग्जाम्स विल बी डिलेड, इवन UPSC ऑल्सो मेड सर्टेन, कल न्यूज़ में आई सॉ समथिंग। देन दिस इज़ रेड जोन, ये 3-4 जोन्स हैं। रेड जोन वो होंगे जहाँ पे पिछले 14 दिन से कोई केसेस नहीं आए हैं। ऑरेंज जोन वो होंगे जहाँ पे कोई केस पिछले 14 दिन से, नो केस इन पास्ट 14 डेज। एंड रेड जोन में पिछले 14 डेज में केसेस हैं, ऑरेंज जोन में कोई केस नहीं है पिछले 14 डेज में, और ग्रीन जोन में 28 डेज से कोई केस नहीं है। तो इस तरीके से अपन कलर ग्रेडिंग करेंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल का। तो अगेन ग्रेडेड एग्जिट करना पड़ेगा लॉकडाउन का। सेकेंड जो न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। ICMR ने कहा कि अभी हमने पहले RT-PCR बेस्ड टेस्ट होते थे, फिर हमने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट बुलाया। ये जो टेस्ट किट बुलाया ये हमने चाइना से बुलाया, और ये सारे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स फॉल्ट कर गए, ये डुप्लीकेट है और ये काम नहीं कर पा रहे हैं, रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है इनकी। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे आरोप लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिटियरिंग हुई है, मुनाफाखोरी हुई है। लीगल डिस्प्यूट है बिटवीन एन इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में। रैम्प अप टेस्टिंग करने के लिए, टेस्टिंग बढ़ाने के लिए, बिकॉज इंडिया को क्रिटिसिज्म हो रहा था टेस्टिंग ज़्यादा कर नहीं रहे हम, तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट हमने बुलाया। ये सम सॉर्ट ऑफ स्क्रीनिंग था, प्रिलिम्स आप इसे बोल सकते हैं, ताकि इनिशियल टेस्टिंग कर सके। ये प्रोक्योर हुआ चाइना से, इसका कॉस्ट प्राइस था अराउंड 245 रुपी, सेलिंग प्राइस जो ICMR को पड़ा वो 600 रुपी, तो ये प्रॉफिट ईयरिंग हुआ। एंड क्वालिटी जो थी इसकी मेडिकल सप्लाईज की, वो भी काफ़ी पुअर आई है, तो हमने चाइना से इसके अगेंस्ट क्वेश्चंस भी रेज किए हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, टेस्टिंग किट्स, इस पे क्वालिटी पे भी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे ICMR ने अभी ये क्लियर किया है कि अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है चाइनीज टेस्ट किट सप्लाईज का। सो अगेन ये अभी आगे फर्दर क्या न्यूज़ होती है, विल हैव अ फॉलो अप। मीनवाइल यू टेल मी व्हाट आर दीज कंज्यूमर कोड्स। अक्सर ये न्यूज़ में आता है कि जो सेलर होता है और जिस परचेज जिसने किया है, इनके बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, बिकॉज सेलर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर देता नहीं है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फुलफिल नहीं करता है। तो इंडिया में ये कंज्यूमर कोर्ट्स भी काफ़ी एक्टिव होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। लर्न अबाउट दिस कंज्यूमर कोर्ट। देन
ये है आरबीआई ओपन्स रुपीज 50,000 करोड़ लिक्विडिटी टैप फॉर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स अभी हमने देखा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केस ने अपने 6 जो डेट फंड्स थे उसको क्लोज कर दिया था बिकॉज रिडेम्पशन का प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। हाई रिस्क डेट फंड्स है ये, तो रिडेम्पशन मतलब जिसने इन्वेस्ट किया है वो वापस पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है जो फंड है उसके पास लिक्विडिटी पैसे कम हो जाएंगे, तो लिक्विडिटी क्रंच होता है। तो इसीलिए इस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने फोर्स टू क्लोज अपने डेट फंड्स जो थे वो क्लोज कर दिए थे। तो इससे कई बार चेन रिएक्शन चालू हो जाती है, दूसरे डेट फंड्स में भी ये प्रॉब्लम आने लग गई। म्यूचुअल फंड्स अगेन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं, बट हम सब काफ़ी सब इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। सो दैट इज़ वाई आरबीआई ने अभी कंडक्ट किया रेपो ऑपरेशन 90 डेज के टेनोर में एट द फिक्स्ड रेट रेपो। ये रेपो रेट का 90 डेज में फिक्स रेट पे इन्होंने किया है। द होल आइडिया इज़ कि ये जो म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल है इनको कुछ लिक्विडिटी टैप दिया जाए फॉर सम टाइम। ये जो फंड्स हैं अवेल अंडर दिस फैसिलिटी है ये यूज़ होगा बैंक, बैंक इनको यूज़ करेंगे एक्सक्लूसिवली फॉर मीटिंग द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो ये टारगेटेड होंगे म्यूचुअल फंड्स में एक्सटेंडिंग लोन एंड फॉर अंडरटेकिंग आउटराइट परचेज और रेपो अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड कमर्शियल। सी रेपो वो रेट होती है जिसपे बैंक को पैसे देती है आरबीआई। ओके, तो यहाँ आरबीआई ने ये फैसिलिटी इनको प्रोवाइड किया है कि म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल सेक्टर है यहाँ पे लिक्विडिटी मेंटेन रहे। ये डिबेंचर्स सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द फंड सेंट्रल बैंक इन सब में ये एप्लीकेबल रहेगा। द होल आइडिया इज एक शील्ड प्रोवाइड कर देना ताकि ये ट्रिगर नहीं हो जाए इस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से और सारे डेट फंड्स भी कोलैप्स नहीं होने लग जाए। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, फोर्थ, एसेंशियल गुड्स मूवमेंट अप सेज गवर्नमेंट। 4 out of 5 एग्रीकल्चरल मार्केट्स आर ओपन। हम ट्राई कर रहे हैं रिमूव बॉटल नेक करने का। बॉटल नेक क्या होता है, जैसे पूरा सप्लाई यहाँ पे आपका फुल थ्रॉटल जा सकता है बट ये बॉटल का नेक इतना सा है, तो इससे क्या होता है फ्लो स्टॉप हो गया बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग। तो वी आर ट्राइंग टू रिमूव दिस बॉटल नेक ताकि हम फुल थ्रॉटल पे काम कर सके। तो रिमूव कर रहे हैं बॉटल नेक स्मूथ मूवमेंट ऑफ एसेंशियल गुड्स, जैसे कि आप देखो ये वर्कर्स ट्रांसफर कर रहे हैं राइस सैक्स फ्रॉम अ ट्रेन टू ट्रक्स एट नागरकोइल इन तमिलनाडु। ये जो ट्रक्स हैं अभी फूड्स एंड मेडिसिन कैरी कर रहे हैं, रेलवे रैक और पोर्ट्स हैं, यूजुअल ट्रैफिक है। 4 out of 5 जो मंडी होती है अनाज मंडी एंड ऑल ये अभी वर्क कर रही है। ऑनलाइन पोर्टल सेटअप किया गया है मंडीज में कोल्ड स्टोरेज के लिए और बायर्स इन सब को इंटरकनेक्ट करने के लिए, मंडी को कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे हम स्टोर करते हैं और ये बायर्स जो खरीदार है इन सब को कनेक्ट करने के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल सेटअप अभी इम्प्रूव कर रहे हैं। एडिक्वेट सप्लाई होगी स्टेपल्स फूड की। स्टेपल फूड वो होता है जो हम लार्ज क्वांटिटी में खाते हैं जैसे वीट हुआ, राइस हुआ एट्सेट्रा, ऑनियन टोमेटो पोटेटोज भी। मिल्क और एलपीजी सिलेंडर्स हैं इनका अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है। लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स हैं और इंडिया पोस्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, रिमेंबर दिस थिंग, फॉर दिस कैश ट्रांसफर। ये जो मनी ट्रांसफर एंड ऑल होता है इसमें ये इंडिया पोस्ट है, पोस्ट ऑफिस है, इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अभी प्ले किया है। सो वी आर ऑल ट्राइंग कि एसेंशियल गुड्स जो है इसका मूवमेंट स्टॉप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। देन ये जो नेक्स्ट मूव है पोस्ट रिकवरी दिस तबलगीज डोनेट ब्लड प्लाज्मा। ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है क्या होता है कि जैसे अगर किसी पेशेंट को COVID-19 हुआ वो रिकवर हो गया तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो गई है, उस एंटीबॉडी का हम प्लाज्मा ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑल प्लाज्मा हम जनरेट करेंगे। ये जो होता है प्लाज्मा बिकॉज इसमें एंटीबॉडी है ये प्रोफाइल एक्सेस और पेशेंट क्योर दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। प्रोफाइल एक्सेस मतलब प्रिवेंटिव होता है जो फ्रंटलाइन स्टाफ होते हैं उनको बचाने के लिए, और जो पेशेंट्स हैं उनका भी इससे हम केयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट रिकवरी हुआ है ये आगे बढ़ के आ रहे हैं और डोनेट कर रहे हैं अपना ब्लड प्लाज्मा ताकि दूसरों का हेल्प हो सके। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टेप। देन दिस इज़ द पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 3 है, दिस इज़ पेज नंबर 3 एंड दिस इज़ पेज नंबर 4। दिस इज़ ITI, दिस इज़ नॉट IIT, दिस इज़ ITI और ये ITI भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में टेक्नोलॉजिकल एंड ऑल प्रोग्रेस के लिए। ये गवर्नमेंट रन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ये ओडिशा के जो बहरामपुर हैं यहाँ पे इनके प्रिंसिपल डिस्प्ले कर रहे हैं दिस एरोजोल बॉक्स, दिस इज़ एरोजोल बॉक्स। ये इन्होंने नया इनोवेशन किया है और ये बहुत फ्रूगल इनोवेशन है। इंडियंस जो होते हैं ना हम वर्ल्ड में जाने जाते हैं अपने जुगाड़ के लिए, हम कोई भी काम बहुत सस्ता और अच्छा करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो ये फ्रूगल इनोवेशन है ये। देन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये एक एरोजोल बॉक्स बनाया है और फेस शील्ड बनाया है। सी
यहाँ जो है एरोजोल बॉक्स है, ये क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स है. सी दिस इज अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स. यहाँ पे एक होल्स हैं टू एंटर ग्लव्स हैंड. ये ऐसे ग्लव्स हैंड से एंटर करेंगे विच पुट ओवर द हेड ऑफ द कोविड-19 पेशेंट के ऊपर लगाएंगे. प्लेस्ड ऑन वेंटिलेटर इन ISU ड्यूरिंग द इंट्यूबेशन प्रोसेस. एरोजोल बॉक्स सर्व एज अ बैरियर टू चेक पॉसिबल ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 ड्रॉपलेट फ्रॉम पेशेंट टू दिस डॉक्टर. तो ये एक हेल्प हो जाएगी. देन एरोजोल बॉक्स मेक हुआ है 4 mm का ट्रांसपेरेंट अक्राइलिक शीट है, कट बाय अ लेजर कटिंग मशीन, और जॉइंट्स कंप्लीटली एयर टाइट है, तो इन्फेक्शन होने का कोई चांस नहीं है. और सबसे अच्छी बात है ये रीयूजेबल भी है आफ्टर सैनिटाइजेशन. और जो फेस शील्ड है ये A4 साइज का ट्रांसपेरेंट शील्ड होगा, फोम लाइंड इलास्टिक बैंड्स हैं टू कीप देम अटैच टू द हेड ऑफ द यूजर, इस टाइप से. तो ये अगेन काफ़ी अच्छा इनोवेशन है. द गुड थिंग इज कि ये जो फेस मास्क है ये 200 रुपये में आता है, बट यहाँ इन्होंने 11 रुपये में बना लिया. और ये जो एरोजोल बॉक्स है ये 10,000 का होता था, यहाँ इन्होंने केवल 3,000 रुपये में उसे बना लिया. तो अगेन वेरी वेरी गुड थिंग. रिमेंबर द नेम एरोजोल बॉक्स एंड फेस शील्ड. देन दिस इज वर्चुअल येट ओपन. दिस इज एडिटोरियल सेक्शन. दिस इज अबाउट कोट्स. कोर्ट्स में लॉकडाउन हुआ है, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी फॉलो हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो दैट इज़ वाई कोर्ट के ऑपरेशन स्टॉप हो रहे हैं. तो कोर्ट अब स्विच हो रही है ई प्लेटफॉर्म पे, वर्चुअल हियरिंग पे. सिचुएशन फोर्स कर रही है लॉकडाउन मस्ट बी यूज टू इम्प्रूव जुडिशियल प्रोसेस. तो हर चैलेंज लाइफ में आता है, उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी रहती है. तो कोर्ट को चैलेंज आया कि कोर्ट वर्क नहीं कर रही, तो अब वो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो सकती है, और इससे क्या होगा, केसेस शायद स्पीडअप भी हो जाए, इम्प्रूव हो जाए जुडिशियल प्रोसेस. तो दिस अमिड्स लॉकडाउन सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट होल्ड कर रही है वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग्स, वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग्स. अब क्वेश्चंस बार काउंसिल ने ये उठाया यहाँ पे कि क्या ये नया नॉर्मल है, इज दिस अ न्यू नॉर्मल, इज दिस द वे वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ ओपन कोर्ट. ओपन कोर्ट क्या होती है कि यहाँ जज साहब बैठे हैं, इनकी कोर्ट में ये डिसीजन हो रहा है, कोई भी आके यहाँ पे इस डिसीजन को देख सकता है ना, ये हो गई ओपन कोर्ट. बट अगर इन कैमरा ट्रायल हो रहा है, या फिर कई बार जैसे बच्चों के कोई केसेस होते हैं तो उनको प्राइवेसी एंड ऑल देने के लिए एक कोर्ट प्राइवेट चैम्बर में भी हो जाती है, जिसमें जज साहब होते हैं, वकील होते हैं और क्लोज पर्सन ही होते हैं. तो क्वेश्चन यहाँ उठ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वर्चुअल कोर्ट का, ये आइडिया ऑफ ओपन कोर्ट के अगेंस्ट है या नहीं है. तो इस बात पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मिस्टर बोबड़े साहब, इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस विदाउट द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ लॉयर एंड लिटिगेंट है. यहाँ केवल हम टेक्नोलॉजी बेस्ड जस्टिस कर रहे हैं, इसको क्लोज कोर्ट नहीं बोलना चाहिए. बोबड़े साहब ने कहा कि जो वर्चुअल कोर्ट होती है ये ओपन कोर्ट ही है, यहाँ केवल कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये क्लोज्ड कोर्ट नहीं है, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं है, यहाँ जिसको जो लॉयर है और जो मेंबर्स हैं एवरीबडी कैन सी दिस. ये डिस्टिंक्ट है कोर्ट इन कॉन्ग्रीगेशन से, मतलब इन प्रेजेंस, इन फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, वरना ये ओपन कोर्ट ही है. बार काउंसिल ने फिर क्वेश्चन पूछा कि आफ्टर कोविड-19 क्या ये नया नॉर्मल होगा, हर काम ऐसे ही होगा. तो अगेन इस पे इनोवेटिव सजेशंस आ रहे हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं करें कि ये जज साहब हैं, यहाँ पे कोर्ट चल रही है, लॉयर्स हैं, यहाँ पे सारे लिटिगेंट्स हैं, और ये जो भी प्रोसीडिंग हो रही है उसको हम लाइव स्ट्रीम कर दें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर. जिसको देखना है वो लाइव स्ट्रीम ओपन करेगा और वो देख लेगा कि कैसे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं. तो अगेन दिस इज़ वेरी इनोवेटिव थिंग. तो लॉयर्स, लिटिगेंट, मीडिया जो होता है उसको भी एक्सेस मिल जाएगा. तो व्हाई कांट वी मेक इट अ जनरल प्रैक्टिस. टेक्नोलॉजी हमारी इतनी एडवांस होती जा रही है, वी कैन स्पीड अप द केसेस. लोअर कोर्ट्स हैं, उनका हम कंसेंट ले लें, रिकॉर्ड वहाँ पे सारा होमवर्क कर लें बैकग्राउंड का, और जो फाइनल जो टेस्टिंग होती है वो टाइम स्लॉट डिसाइड करके हियरिंग कर लें और इसको लाइव स्ट्रीम कर दें. तो ये चैलेंजेस आए हैं, बट ये चैलेंजेस कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं हमारी जुडिशरी एंड ऑल में. तो देयर आर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज, सो दिस इज वर्चुअल येट ओपन. अब ये इतने सारे आइडियाज़ हैं ना, दीज आर ऑल टेम्पलेट्स, ओके, दीज आर आइडियाज़. अब ये आप पर है, आप इस आइडियाज़ को कैसे यूज़ कर सकते हो. इस आइडिया को आप यूज़ कर सकते हो अपने से क्वेश्चन आए उसमें कोई इन्नोवेटिव आइडिया देना है, आप इस आइडियाज़ को वहाँ शेयर कर दो, आंसर राइटिंग में कर दो. आप डिबेट में इन आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हो, ऐसे ऐसे में आप ये आइडियाज़ यूज़ कर सकते हो. सो अगेन दीज आर वेरी गुड आइडियाज़, दीज आर ऑल टेम्पलेट्स हैं, ये जितने भी है ना ये टेम्पलेट्स हैं. यूज़ इट वेर एवर इट इज़ एप्लीकेबल, यूज़ इट फ्रीली, यूज़ इट. देन कास्टिंग आउट स्टिग्मा. स्टिग्मा इज नॉट गुड. मैसेज ऑफ कॉशन है कि रिजल्टिंग इन पैरानोइया. पैरानोइया मतलब अननेसेसरी डर बन गया है. कोई कोविड-19 आ जाता है पेशेंट तो हम उससे दूर भागने लग रहे हैं. कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल केयर है, उनसे मकान मालिक उनका मकान खाली करवा रहे हैं. तो दिस इज़ नॉट राइट.
COVID-19 पेशेंट से ये डिस्क्रिमिनेशन है, स्टिग्मेटाइजेशन है, इससे कुछ हेल्प नहीं होना है। हेल्थ वर्कर से मिसबिहेव करेंगे तो कोई हेल्प नहीं होना है। मिटिगेट करना है फियर और एनजाइटी को। अभी हमने एक रिसेंटली देखा था, हेल्थ वर्कर को अगर आप मिसबिहेव कर रहे हो, ट्रबल दे रहे हो, तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बन गया है। गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट दिया था, प्रोमलगेशन किया है। सो मिटिगेट करना है फियर और एनजाइटी को, अननेसेसरी पैनिक क्रिएट नहीं करना है। सोशल सॉलिडेरिटी की ज़रूरत है, मैसेज नीड टू बी स्प्रेड, हर किसी के पास ये पहुंचना चाहिए। देन ये बहुत ही वंडरफुल आर्टिकल है, द स्क्रिप्ट ऑफ डिसरप्शन एंड अ न्यू ऑर्डर। ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर एम के नारायण ने। इनके सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, जब भी ये लिखते हैं ना हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इन्हें। ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि COVID-19 में अगर पूरे वर्ल्ड को किसी ने चेकमेट किया है तो वो है चाइना। चाइना ने पूरे वर्ल्ड को चेकमेट कर दिया है यहाँ पे। अब इसके अजम्पशंस देखते हैं कैसे। अक्रॉस द ग्लोब जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक फॉलआउट हुआ है COVID-19 पैंडेमिक का। ये एक सीरियस चैलेंज दे दिया है इसने। ये जो पैंडेमिक है ये अनप्रेसिडेंटेड है। रिमेंबर, कभी ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि इतने टाइम तक लॉकडाउन हुआ है एंड ऑल। दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल है। कॉम्प्लेक्सिटी है, टू मैनी वेरिएबल्स हैं, टू मैनी इफ्स एंड बट्स हैं, रेडिकल अनसर्टेनिटी है। ये जो एबनॉर्मलिटी आ गई है हमारी लाइफ पे, नाउ वी आर फोर्स टू लिव विद दिस न्यू नॉर्मल। इसके साथ जीना सीखना पड़ रहा है हमें। पैंडेमिक जो है ये रीशेप करते हैं वर्ल्ड को, फंडामेंटल ऑल्टरेशन हो जाता है, पावर चेंज होता है। गेम ऑफ थ्रोन्स, रिमेंबर केओस इज अ लैडर। तो ये जब इस टाइप के पैंडेमिक्स आते हैं ना, तो अक्सर अनसर्टेनिटी हो जाती है, वर्ल्ड हिल जाता है। गवर्नेंस एंड बिजनेस नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। वॉट इज लेफ्ट अनसेड, अब वॉट इज लेफ्ट अनसेड एंड लाइकली टू पोज एन इवन बिगर चैलेंज क्या होगा, इज द एक्सटेंट टू विच द पेंडेमिक विल इम्पैक्ट। ये कितना लंबा खिंचेगा और कितना डैमेज करेगा, अब बस हम इसका वेट कर रहे हैं। ह्यूमन वैल्यूज जो हैं और जो कंडक्ट हैं, इसका डिम्यूनिशन हो रहा है, ये कम हुई है। जैसे USA ने इमिग्रेशन पर बैन लगा दिया, हर जो कंट्री है वर्ल्ड की वो अब केवल अपना इंटरनल सोच रही है। ग्लोबलाइजेशन सब भूल गए हैं, डी ग्लोबलाइजेशन पर सब वर्क कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या हुआ है, नेशंस जो हैं ये लुकिंग इनवर्ड्स हैं। नैरो नेशनल इंटरेस्ट सब अब लग रहे हैं नैरो नेशनल इंटरेस्ट पे। जितने इंस्टीट्यूशंस थे, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग थे तो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन बेटर था। बट UNSC की बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल की, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दे आर नॉट डूइंग वेल। इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। इकोनॉमिक शॉक जो आया है, ग्रोथ रेट प्लमेट हो रही है, नीचे गिर गई है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं। तो रोल ऑफ स्टेट क्या होता है इस पे? अब स्टेट का क्या रोल होगा यहाँ पे? स्टेट ऑफ जो है ना, स्टेट है जैसे कंट्री है, हमारे यहाँ देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। ये एनफोर्स कर रही है पब्लिक गुड्स को। अब जो लजिस्लेटर्स हैं, लजिस्लेशंस हैं, कानून हैं, तो कुछ कानून अक्सर हम देखते थे, वो कानून होते थे कैसे होते थे, वो हम बोलते थे आर्काइक लॉज हैं, ड्रैकोनियन लॉज हैं। जैसे कि दिस एपिडेमिक डिसीज एक्ट था, या फिर NDMA एंड ऑल है, कर्फ्यू लग गया है। बट अब इसका कोई अपोज नहीं कर रहा है, तो जो एनाक्रोनिस्टिक और ड्रैकोनियन लॉ है सब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं अब। तो न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल गया है, अब इनका अपोजिशन नहीं हो रहा है। इवन जो एक्टिविस्ट होते हैं वो भी इनको अपोज नहीं कर रहे हैं। कर्फ्यू लग गया, ओके, अच्छा ही लगा है, बिकॉज COVID-19 से हमें फाइट करना है। देन लॉकडाउन हो गया है, ऑल राइट, इट इज़ गुड फॉर द बिगर कॉज। सो इनको फ्रीडम मिल गया है, न्यू लीज ऑफ लाइफ हो गया है। पीपल विलिंग टू सेक्रीफाइस पर्सनल लिबर्टी, इन पे चैलेंज नहीं है, इन पे प्रोटेस्ट नहीं है। तो जो गवर्नमेंट है, इनका रोल क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है यहाँ पे। देन ओमनीपोटेंट स्टेट हो गया है, स्टेट इज एवरीवेयर, वॉट एवर स्टेट इज सेइंग दैट्स हैपनिंग। ये हो जाती है अथॉरिटेरियन रिजीम। तो ये क्या रियलिटी बन रही है? मीनवाइल ग्लोबल में हम देखें तो चाइना का रोल, बहुत सवाल उठ रहे हैं कि ये चाइना का क्या रोल है इस COVID-19 में। फार रीचिंग चेंजेस हैं, एंटिसिपेट रियलम ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में चाइना एकदम सबको चेकमेट कर दिया है इसने। चाइना रिमेन्स टोटली अनफेज्ड बाय दिस स्टिग्मा, चाइनीज वायरस भी इसे का, बट चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका फोकस कहीं और है। देन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई आज भी चाइना पे डिपेंडेंट है। हमको अभी जैसे रैपिड टेस्टिंग किट भी बुलाने थे, हमने चाइना से बुलाए। PPE की जरूरत पड़ रही है, हम चाइना से। तो चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। देन अर्ली रिकवरी टेकिंग एडवांटेज, वुहान अनलॉक हो गया है 76 डेज के बाद, और चाइना में जो फैक्ट्रीज एंड ऑल है दे आर अगेन स्टार्टेड वर्किंग, जबकि वर्ल्ड में इकोनॉमी स्टैंड स्टिल हो रही है। तो ये जो ब्लैक स्वान था चाइना, जो कहा जाता है रेस्पॉन्सिबल है पैंडेमिक के लिए, ये ब्लैक स्वान इज नाउ मैस्केरेडिंग एज वाइट स्वान। ये एक्टिंग कर रहा है वाइट स्वान की और लोगों को हेल्प आउट कर रहा है।
गेनिंग जियो पॉलिटिकल एडवांटेजेस, फाइनेंशियल वायबिलिटी, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर हो रहा है हमारे यहाँ जो कंपनीज़ हैं। हमने देखा था अभी FDI रूल जो ट्वीक हुए, 1000 रुपये की कंपनी अचानक इकोनॉमिक लॉस से 100 रुपये की हो गई, काफ़ी सस्ती मिल रही है। चाइना के पास इन्वेस्टर्स काफ़ी पैसा है, वो 100 रुपये में ये कंपनी में स्टेक्स खरीद लेंगे। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर। तो कंपनीज़ का वैल्यूएशन स्केल डाउन है बइंग स्टेक्स, जैसे HDFC में बैंक ऑफ चाइना ने अभी 1% स्टेक ले लिया था, ऑल दो ये FDI के थ्रू नहीं था, बट अगेन इंटेंशंस ये दिखा रही है। तो क्लैमर है हॉस्टाइल टेक ओवर का, दैट इज़ वाई इंडिया ने, नॉट ओनली इंडिया, यूरोप में भी कुछ कंट्रीज ने ये FDI पे ट्वीक किए हैं कि जो FDI आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये या तो पहले ऑटोमेटिक रूट पे आ जाता था, अब ऑटोमेटिक रूट नहीं होगा, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी तभी आप FDI ला सकते हो। इससे एक चेक लग जाएगा दिस अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर पे। तो गवर्नमेंट अप्रूवल नेसेसरी है। चाइना अगेन एक और जगह डोमिनेट कर रहा है, दैट इज़ RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव, दिस RCEP, जो RCEP इसे एक गेटवे मिल जाएगा जिससे ये एंटर करेगा एशियान पे, और अपनी जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको ये पुश करेगा बाय यूजिंग दिस RCEP। BRI में आप बताइए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एक बेल्ट है और एक रोड है, तो जो ओशन पे है वो क्या है और जो लैंड पे है उसका क्या नाम है? नाउ ये हो रहा है एक फॉल्टरिंग वेस्ट। अब एक और प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर वेस्ट की बात करें, वेस्ट में आप यूरोप देखो या फिर आप USA देखो, USA, फ्रांस, UK, इटली, स्पेन, जर्मनी, आप वर्डोमीटर वेबसाइट में देखो, इन सब कंट्रीज़ में 20,000 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो गई है। तो दे आर रेवेज्ड नेशंस, ये एकदम अच्छी स्थिति में नहीं है, दे हैव कम ऑन नीज, ये सीडिंग ग्राउंड है, उनका रोल डिमिनिश हो रहा है। अब ये रोल अगर श्रिंक हो रहा है तो इस रोल को फिल करने के लिए कौन आएगा? इस रोल को फिल करने के लिए चाइना ग्रो करेगा, इनकेपेबल ऑफ डिफाइनिंग एंड डिफेंडिंग कॉमन इंटरेस्ट। सिमिलरली जर्मनी काफ़ी इंसुलर होता जा रहा है, ब्रेग्जिट के बाद UK आउट ऑफ रिकॉर्डिंग्स है। वेस्ट एशिया की बात करें तो वेस्ट एशिया में सऊदी होता था पावरफुल, ईरान भी था, सऊदी अगेन काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है बिकॉज ऑयल प्लंज हो गया है, डिफिकल्ट टाइम है, अभी हमने देखा था कुछ जीरो पे टच होने लग गया है, बैरल काफ़ी कम हो गया है ऑयल पर डॉलर। इसराइल को इस बीच काफ़ी एडवांटेज मिल रही है, इकोनॉमिक स्टैंड स्टिल आ रहा है, ये ग्रेटली रिड्यूस कर रहा है इंडियाज रूम फॉर मैनोवर। इंडिया में भी पहले 21 डेज लॉकडाउन था, फिर ये एक्सटेंड 3rd of May तक हो गया है, अब गॉड नोज आगे क्या होगा। तो इंडिया की भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो चैलेंज हो रही है। तो ये चाइनीज जगरनॉट है, ये जीत रहा है, लेवरेज वेस्ट एशिया का डिमिनिश हो रहा है, एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है इंडिया की जो यहाँ पे वर्क करने जाते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स एंड ऑल होते हैं वेस्ट एशिया में, इनसे काफ़ी ज़्यादा रेमिटेंस आता है, वो रेमिटेंस भी अब हमारा हार्ड हिट हो रहा है। तो दिस इज़ नॉट, ये जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमिक्स है, ये चाइना के फेवर में हो रही है, इंडिया को इससे ज़्यादा बेनिफिट में नहीं रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चाइना ने क्या चेकमेट कर दिया है वर्ल्ड को। सी दीज आर ऑल कीवर्ड्स ना, डायरेक्शंस हैं, थॉट्स हैं इस डायरेक्शन में, व्हाट यू थिंक, ये इस टाइप से इन्होंने काफ़ी अच्छा एनालिसिस किया है बिकॉज ये फॉर्मल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, तो अगेन इनके ओपिनियंस काफ़ी मैटर करते हैं। नाउ इंडिया इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, जब ये COVID-19 ख़त्म होगा तो क्या होगा? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा था हमारी लाइफ आफ्टर कोविड एंड बिफोर कोविड, ये दो पार्ट में डिवाइड होने वाली है। अब यहाँ जो आर्टिकल लिखा है, ये लिखा है सुजाता सिंह मैडम ने, ये फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी रही हैं। इन्होंने कहा है कि द मैनर इन विच द कंट्री डील्स विद द क्राइसिस डिटरमाइन करेगा प्लेस इन द फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर में। जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, सबसे पहले तो जान बचाओ, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इसके बाद हमें देखना पड़ेगा हमारी ब्रेवरी कितनी है, स्ट्रेंथ कितना है। एक लीडरशिप का रोल इंडिया को लेना पड़ेगा, सोशल कोहरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट द टाइम टू फाइट, इन फाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, आपस में लड़ेंगे तो COVID-19 से हार जाएंगे। सो सोशल कोहरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूशनल रॉबस्टनेस इज़ रिक्वायर्ड, क्रूशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी हेल्थ केयर में और इकोनॉमी में। ग्लोबल स्टेज की बात करें तो सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है, जैसे अभी चाइना के केस में देखा, रैपिड किट जो थे वो फॉल्टी आ गए थे, प्रॉफिट ईयरिंग हो रही है। सो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, और वैक्सीनेशन का हमें जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। ये कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे विल वी इमर्ज अप एज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और एज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, टू पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनना है या पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनना है।
विल वी इमर्ज वीकर और स्ट्रॉन्गर एज अ नेशन? इमर्ज इसके बाद कमजोर बन के आगे निकलना है या स्ट्रांग बन के निकलना है? विल वी हैव बीन गाइडेड बाय डिवाइसिव पॉलिटिकल एजेंडा? इससे ऊपर उठना है, बिकॉज ये क्या करते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं। ये जो डिवाइसिव पॉलिटिकल एजेंडा है इससे दूर रहना है। एंड डीपन अवर फॉल्ट लाइन, हमारी सोसाइटी में कुछ फॉल्ट लाइन है जिसमें अक्सर लड़ाई हो जाती है जिन बातों पे, तो उस फॉल्ट लाइन को अननेसेसरी हवा नहीं देनी चाहिए। और विल वी हैव वर्क टूवर्ड्स एन इंक्लूसिव इंडिया दैट एम्ब्रेस ऑल ऑफ अस इन इट्स फोल्ड रिगार्डलेस ऑफ हमारी कास्ट क्या है, हमारा क्लास क्या है, हमारा क्रीड क्या है? ये सब बातें अभी बिल्कुल मायने नहीं रखती हैं। द पैंडमिक हैज़ ब्रॉट अस टू एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया है। हाउ वी डील विद इट डिटरमाइन अवर प्लेस इन द फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर। अभी जो हम इन बातों पर काम करेंगे ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगेन वेरी गुड आर्टिकल। नाउ दिस इज ओपेड 7। यहाँ पे लिखा है पॉलिसी रोड मैप टू टेकल COVID-19। ही इज़ एन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर न्यू स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च इन न्यूयॉर्क। यहाँ पे इन्होंने कहा है हाउ विल इट ऑल एंड, ये खत्म कैसे होगा, अब इस बारे पे सोचते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में 3 क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया तो ये है टॉप मोस्ट कि कम से कम जाने जाएं, जान जाएंगी बट मिनिमाइज करिए लॉस ऑफ लाइफ। सेकंड क्राइटेरिया है रीस्टोर करिए एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ एस सून एज पॉसिबल, नॉर्मलसी रिटर्न करिए, अवॉइड करिए डिजास्टरस एंड लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज एस्पेक्ट जैसे कि हेल्थ में, स्कूल में और एम्प्लॉयमेंट में। थर्ड क्राइटेरिया होगा वो ये होगा एम करिए ग्लाइड पाथ आउट ऑफ द क्राइसिस, एंड इट वंस फॉर ऑल। ऐसा नहीं कि ये बहुत लंबा खिंचना नहीं चाहिए, इसको हम जल्द से जल्द सॉल्व करें, इनडेफिनेटली इसको मैनेज नहीं करना है। इफेक्टिव हेल्थ सिस्टम हमें बनाना है, स्मार्टर पॉलिसी रहनी चाहिए, टारगेटेड अप्रोच, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, तो टारगेटेड अप्रोच, टारगेटेड लॉकडाउन चाहिए हमें। देन ये है लैकिंग इन ट्रांसपेरेंसी। अगेन हम जो बोल रहे हैं ना, अथॉरिटेरियन स्टेट काफ़ी पावरफुल होता जाता है इस COVID-19 जैसे क्राइसिस में, तो इस टाइम पे जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, मस्ट कीप देमसेल्व्स इन्फॉर्म्ड, जागरूक रहते हैं ना, अगर आप इन्फॉर्म्ड हैं तो आपका कोई भी अब्यूज़ नहीं होगा राइट्स का। सो दैट इज़ वाई इन्फॉर्म्ड जो सिटीजन्स होते हैं वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होते हैं डेमोक्रेसी में। पॉलिटी की क्लास 9 जो बुक था उसमें हमने ये बहुत डिटेल में देखा था कि डेमोक्रेसी जो होती है ना वो उतनी ही अच्छी होती है जितने वहाँ के लोग होते हैं। अगर डेमोक्रेसी के लोग अगर फॉल्टर हैं, डिफॉल्टर हैं, तो ये गलत लीडर को चूज़ करेंगे और फिर वो टायरेंट आ जाएंगे। सो डेमोक्रेसी की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसके पीपल होते हैं। सो सिटीजन्स मस्ट कीप themselves इन्फॉर्म्ड एंड पुश द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट साइंटिफिक बातें करें और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज लेके आए। वायरस जो होता है वो इम्यून होता है पॉलिटिकल स्पिन को और डेटा सप्रेशन। हमारे यहाँ अक्सर बातों को स्पिन कर देते हैं या फिर डेटा आता नहीं है, इस सब से वायरस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वायरस डैमेज करेगा। अकाउंटेबिलिटी, रिमेंबर दिस कीवर्ड, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी और इन्फॉर्म्ड चॉइसेस होनी चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, जितने भी ऑप्शंस हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑप्शंस हैं, ये सब आपके सामने रख दिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से क्या चूज़ कर रहे हो। सो दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्म चॉइसेस। ये यहाँ ट्रांसपेरेंसी होती है, दिस इज़ अ गुड थिंग। दैट इज़ वाई हम क्या लाते हैं, सिटीजन चार्टर लेके आते हैं। जैसे इस बार टैक्स बजट में हमने क्या लिया था, टैक्स चार्टर लिया था, ताकि हम सब बता दें कि ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एवरीथिंग फेयर होना चाहिए, क्लिक बेट्स नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ इन्फॉर्म चॉइसेस। ये अभी ज़रूरी है लैकिंग इन ट्रांसपेरेंसी में। देन यहाँ पे लिखा है हॉस्टेजेस ऑब्सक्यूरेंटिज्म, देन दिस इज़ 3 मिलिट्री स्पेंडर्स। अब इस बात पे खुश होना चाहिए या फिर इस बात पे हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इंडिया अमंग टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स है। कंट्री का जो टेंशन होता है अक्सर बना रहता है, राइवलरी बनी रहती है पाकिस्तान से और चाइना से। इससे क्या होता है, हमें बहुत अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करने पड़ जाते हैं। मेजर ड्राइव है फॉर इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर, और ये मिलिट्री में जो एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा कर रहे हैं, लाइक इंडिया टॉप 3 में आ रहा है, वर्ल्ड टॉप 3 में आना, और इंडिया कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी भी नहीं है बट टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर हो रहा है। हमारा GDP का 2.4% सीधा मिलिट्री में जा रहा है। तो इस पे अगेन वी नीड टू थिंक। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है इतना है $1,917 बिलियन। इंडिया एंड चाइना टॉप 3 में है। स्वीडिश थिंक टैंक है ये, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम है सिप्री। ये रिपोर्ट लेके आता है ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इस रिपोर्ट में कहा है कि जो चाइना है उसने 261 बिलियन किया, इंडिया ने 71 बिलियन किया, USA ने 732, रशिया ने 65, सऊदी ने 61। तो इंडिया टॉप 3 में आ रहा है, पहला USA है, दूसरा चाइना है और तीसरे नंबर पर इंडिया $71 बिलियन अपनी मिलिट्री में स्पेंड कर रहा है। ये डिफेंस का 2.4% ऑफ GDP है।
और इसमें वो इंक्लूड नहीं है जो डिफेंस पेंशन एंड ऑल में जाता है वो, पर वो भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पार्ट है. द वी आर नॉट अगेंस्ट दिस, बट अगेन व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू प्रायोरिटाइज. नॉट ओनली वी, वर्ल्ड नीड टू प्रायोरिटाइज. इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था कि हम एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं. हम मतलब वर्ल्ड, वर्ल्ड एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ केयर पे कितना पैसा खर्च कर रहा है, वर्ल्ड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी R&D और ये जो वैक्सीन डेवलपमेंट एंड ऑल ये सब चीज़ें होती है, पॉलिसी मेकिंग, इस पर कितना पैसा खर्च कर रहा है, या फिर हम इस पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं. तो नॉट इंडिया बट वर्ल्ड नीड टू थिंक कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. देन दिस इज़ स्कटल्ड. वर्चुअल मीटिंग अचानक बंद हो गई सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण. देन दिस इज़ COVID-19. ये हाई कोर्ट सस्पेंड हियरिंग. देन दिस इज़ पेज नंबर 10. इंडिया वर्किंग विद चाइना टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ सप्लाईज. ये बात है CSIR की. ये है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है. ये 1942 एस्टैब्लिश हुई थी. ये इसके प्रेसिडेंट होते हैं सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इसकी 38 लैब है और ये इतना सारा इसका अनुसंधान भवन है. ओके, सो ये CSIR जो होती है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका बहुत बड़ा काम होता है दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल इन सब में. तो मेनली इसे फंडेड होती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. बाद में इसे ऑटोनोमस सोसाइटी बना दिया सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में. ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, स्ट्रक्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब में, माइनिंग, फूड, पेट्रोलियम, नए नए इनोवेशंस करती है. अब बात ये होती है कि इसने कोई इनोवेशन किया, कुछ प्रोडक्ट बनाया, वो इसका IPR हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ. तो CSIR बिकॉज पब्लिकली फंडेड है, तो यहाँ इसने जो टेक्नोलॉजी बनाया है ना वो अवेलेबल रहती है इंडस्ट्रीज़ को. वो उस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बना सकते हैं, बस उनको एक लाइसेंसिंग फ़ी देनी पड़ती है CSIR को. अब COVID-19 के बैकड्रॉप में CSIR ने ये लाइसेंसिंग फ़ी वेव ऑफ कर दी है, टेक्नोलॉजी फ़ी वेव ऑफ कर दी है. करंटली 38 लैब्स हैं, 41 डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी टू डील विद पैंडेमिक. ये काफ़ी सारे इनोवेशंस किए हैं, जैसे पेपर स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट है, देन वेरियस काइंड ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स हैं, प्री फैब्रिकेटेड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स हैं, 3D प्रिंटेड वेंटिलेटर्स हैं. तो इन सबको इसने बिना टेक्नोलॉजी फी के सबको अलाउ कर दिया है इंडस्ट्री को, यू कैन यूज़ दिस रिसर्च. देन दिस इज़ पेज नंबर 11. CBSE एग्जाम्स कुड बी डिलेड. ये चकमा एंड हजोंग रिफ्यूजीज़ हैं. ये इंडिया में सेटल हुए थे. ये 1960s में डिस्प्लेस हुए थे वॉयलेंस एंड डैम इन अर्स्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल मतलब बांग्लादेश में, जो ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश में 1960s से ये इंडिया आ गए थे, डिस्प्लेस्ड हुए थे. दे वर सेटल्ड इन पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, कुछ जगह ये सेटल्ड है. प्रॉब्लम ये हुआ इनको, राशन कार्ड इनके सीज हो गए थे 1991 में. अब बिकॉज कार्ड्स नहीं है, IDs नहीं है, तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो रिलीफ पैकेजेस हैं COVID-19 के, ये इनको मिल नहीं रहे हैं. सो दे आर डिमांडिंग फॉर दिस रिलीफ. देन यहाँ पे अगेन ब्लड प्लाज्मा ये डोनेट कर रहे हैं. दिस इज़ वेरी वेरी गुड थिंग. देन दिस इज़ कॉल मी मे बी, दिस इज़ ग्राउंड जीरो, देन दिस इज़ शो केस. दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, काइंडनेस इज़ कंटेजियस. काइंडनेस इज़ कंटेजियस, बी काइंड. स्ट्रेंथ होती है ये, वीकनेस नहीं होती है. देन दिस इज़ पेनी फॉर योर थाट्स. एंड दिस इज़ वर्ल्ड. वर्ल्ड में भी अगेन UN सेम बात कर रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं इसका डिजास्टर हो रहा है. यहाँ क्या हो रहा है, जो कंट्रीज़ हैं दे आर फ्लाउटिंग रूल ऑफ लॉ इन द नेम ऑफ फाइटिंग कोरोना वायरस. कोरोना वायरस से लड़ना है, इसके नाम पर गवर्नमेंट कई बार एट्रोसिटीज़ कर रही है. राइट, जो फंडामेंटल राइट्स हैं एट्सेट्रा, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं. सो कंट्रीज़ आर फ्लाउटिंग. जैसे इंडिया में भी जो सेतु ऐप है, इस पर क्वेश्चन उठे हैं प्राइवेसी एंड ऑल पे. देन दिस इज़ वेयर इज़ किम जोंग उन. इनके ऐसे केसेस चलते रहते हैं. देन दिस इज़ डॉन्टिंग डेट रीपेमेंट. यहाँ पे श्रीलंका, अगेन श्रीलंका ने चाइना से बहुत ज़्यादा लोन लिया था. अब ये किस में है, डेट क्राइसिस में, उधार चुका नहीं पा रहा है. सो दैट इज़ वाई जो डेट होता है, उधार होता है, ये हम प्रमोट नहीं करते हैं. दिस इज़ नॉट राइट. दैट्स वाई हम फिस्कल डेफिसिट में भी FRBM लेके आए थे, फिस्कल डेफिसिट को फिल करने के लिए. उधार और खर्चे में ज़्यादा डिफरेंस आ गया तो फिस्कल डेफिसिट हमारा ज़्यादा हो जाता है, FRBM. तो वी डू नॉट एनकरेज दिस, ज़्यादा उधार नहीं होना चाहिए. देन दिस इज़ बिजनेस. बिजनेस सेक्टर में टेम्पल्टन केस इज देयर. सेंसेक्स गेन्स RBI लिक्विडिटी बूस्ट फॉर म्यूचुअल फंड्स. एंड बिफोर दैट ब्रोकर्स सीक एक्शन अगेंस्ट दिस टेम्पल्टन. कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे इंक्रीज हो रही है. व्हाई? बिकॉज बिजनेस में अभी इन्हें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी. व्हाट दे नीड टू फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग. हाइजीन के लिए नए नए पैरामीटर्स हैं, कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज हैं. तो जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है ये
हाई हो रहा है, डिफिकल्ट टाइम। सेंसेक्स ने गेन किया है बिकॉज सेंटिमेंट्स और स्पेकुलेशंस बेटर हो गए हैं आरबीआई के डिसीजन के बाद, ये हाई है। यहाँ हम दो चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, एक होता है बुल, एक होता है बियर। बुल का काम है दौड़ लगाना, तो ये सेंसेक्स को ऊपर दौड़ के आगे ले जाएगा। बियर मतलब भालू होता है, भालू ऐसे स्क्रैच करता है तो ये सेंसेक्स को नीचे ऐसे गिराएगा। दिस इज़ बुल, दिस इज़ बियर। देन यहाँ पे बात है फिर रिटेलर गियर अप फॉर न्यू नॉर्मल। सेम प्रॉब्लम, अपॉइंटमेंट बेस्ड एंट्री होगी आपको, जैसे टेलर के पास भी जाना है वो पहले ही अपॉइंटमेंट देगा 2 बजे आइएगा, ताकि वहाँ पे भीड़ नहीं हो और कॉन्टैक्ट लेस शॉपिंग होगी। एंड दिस इज स्पोर्ट्स टफर फॉर फिजिकली चैलेंज्ड। देन दिस इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूटिलाइज फंड्स फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन इन राजस्थान। स्पोर्ट्स में नो शो है अभी। सो टुडे वी रेड अबाउट दिस स्पोर्ट्स नो शो। बिजनेस में ब्रोकर्स एंड सेंसेक्स। देन वर्ल्ड में हमने ह्यूमन राइट डिजास्टर। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। किम जोंग उन, चकमा एंड हजोंग रिफ्यूजीज। देन चकमा एंड हजोंग को यहाँ पे बात किया है रिलीफ पैकेजेस देने का। दिस इज CSIR एंड इसके यूजेज। दिस इज मिलिट्री स्पेंडर्स, नॉट ओनली इंडिया बट वर्ल्ड में हमने 2000 बिलियन जो पैसे हैं वो मिलिट्री में खर्च किए हैं। वर्ल्ड ने कितना पैसा खर्च किया होगा हेल्थ में, कितना पैसा किया होगा R&D में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, बट 2000 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं इन्होंने मिलिट्री में। लैकिंग इन ट्रांसपेरेंसी। एंड दिस इज़ अ पॉलिसी रोड मैप टू टेकल COVID-19। दिस इज़ इंडिया इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, वेरी गुड आर्टिकल। एंड दिस इज रिटन बाय मिस्टर MK Narayan, अगेन वंडरफुल आर्टिकल। जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल, द स्क्रिप्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन इन अ न्यू ऑर्डर, कास्टिंग आउट स्टिग्मा इज नेसेसरी, वर्चुअल येट ओपन। अगेन इनसाइट्स हैं, बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। ये है हमारी दिस ITI, इसने लो कॉस्ट एरोजोल बॉक्स फेस शील्ड बनाया है। इनोवेशन बहुत अच्छा है, फ्रूगल इंजीनियरिंग है, वंडरफुल। देन दिस इज डोनेट प्लाज्मा, लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं, दिस इज वेरी गुड। देन दिस इज एसेंशियल गुड्स मूवमेंट। दिस इज RBI 50,000 करोड़ लिक्विडिटी टैप दिया है म्यूचुअल फंड्स को। ये ICMR बोल रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट ईयरिंग हो रहा है, अलीज्ड प्रॉफिट ईयरिंग। आप इसके बारे में पढ़िए, कंज्यूमर कोर्ट्स के बारे में, ओके। देन दिस इज रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स है और ये ग्रेडेड एग्जिट होगा लॉकडाउन का। एंड दिस इज 28th of April 2020। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।